This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 26 मई 2022 और मैं निशा लेकर आई हूँ कागज नगर की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइन से। जिला एसपी के सेंट्रल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का दौरा किया। पत्रकारों के लिए मान्यता पत्र की ऑनलाइन पोर्टल हुई शुरू। कड़म्बा में भीषण रोड हादसा, पूर्व सैनिक ने बचाई जान। कलेक्टर ने दिए जल्द से जल्द स्कॉलरशिप देने के आदेश। पीएम किसान सम्मान निधि ई केवाईसी की आखिरी तारीख 31 मई को। जिला एसपी का कागज नगर पुलिस स्टेशन दौरा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोमरा भीम जिला एसपी श्री सुरेश कुमार जी ने आसिफाबाद स्थित सेंट्रल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का दौरा किया। पूरे जिले में पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की कड़े इंतजाम करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस बाबत इस काम का निरीक्षण करने के लिए जिला एसपी ने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर लिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सीसीटीवी के बारे में जागरूकता अभियान चलाते हुए पूरे जिले में सीसीटीवी लगवा लेनी चाहिए। जिले में पत्रकारों को मान्यता पत्र देने के लिए जिला कलेक्टर श्री राहुल राज जी ने आवाहित किया है। सभी पत्रकारों को उन्होंने सूचना दी है कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ipr.telangana.gov.in के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022 से 2024 तक ये मान्यता पत्र दिए जाएंगे। इसकी आखिरी तिथि 30 जून है। परसों एक विवाह कार्यक्रम से कागज नगर लौट रही एक गाड़ी कड़म्बा के जंगलों में लौड़ी से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए। कागज नगर के सिरसिल्क निवासी और पूर्व सैनिक शिवा ने घायल लोगों को तुरंत बचाया। पिछले कुछ दिनों में कड़म्बा के जंगलों में काफी रोड हादसे हो गए। इस इलाके में सावधानी से यात्रा करना उचित है। कल कलेक्टर साहब ने अपने कार्यालय में सभी शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जिले में सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया करानी चाहिए, अन्यथा उनके परिवारों को काफी कष्ट झेलना पड़ेगा। जब स्कॉलरशिप मिलने में देरी हो जाती है तो बच्चों के अभिभावकों को उधार लेकर बच्चों की फीस भरनी पड़ती है। कई कई सालों के बाद स्कॉलरशिप के पैसे बच्चों के अकाउंट में जमा होते हैं, इससे उनके परिवार पर आर्थिक दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी जारी है। इस महीने की 31 तारीख तक ये ई केवाईसी जारी रहेगी। कृषि विभाग ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी किसानों को केवाईसी करा लेना चाहिए, वरना केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे शिवम इन्फोटेक के कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नंबर नोट कर लीजिए 7903045096। आज कोमरम भीम जिला एसपी श्री सुरेश कुमार जी ने कागज नगर टाउन और रूरल पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस इलाके की कानून व्यवस्था पर पकड़बंदी से काम करना चाहिए। पूरे जिले में पुलिस का 30 एक्ट लागू है। ऐसे में लोगों को जमावड़ा लगाकर भीड़ जमा नहीं करना चाहिए। अपने पास लाठी डंडे चाकू जैसे हथियार भी नहीं रखने चाहिए। रात को 10:30 से 11 बजे तक दुकानें बंद कर लेनी चाहिए। लोगों को देर रात तक फालतू में नहीं घूमने देना चाहिए। साथ ही जिले में चल रहे व्यापक तस्करी पर भी पुलिस को नजर बनाई रखनी चाहिए। जिले में बड़ी मात्रा में गुटखा मटका और गांजे की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में पुलिस को कागज नगर में सख्ती के साथ इन मामलों से निपटना है। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।